हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, काफी लंबे समय के बाद मुझे आज ये मौका मिला कि फिर से मैं आपके सामने आ सकूं और एक रीडिंग प्रेडिक्ट कर सकूं। कुछ पर्सनल इश्यूज थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी लाइफ में, सबके जिंदगी में आपको पता है उतार चढ़ाव होते हैं, मेरी जिंदगी में भी था। तो उसी को बैलेंस करते हुए लंबा अरसा हो गया रीडिंग देकर, बट आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स, ऑल दोज पीपल जिन्होंने इस चैनल को ज्वाइन किया, सब्सक्राइब किया हुआ है, जो आज भी इस वीडियो का वेट कर रहे हैं मेरे लिए। थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई एम रियली ग्लैड एंड आई होप कि मैं आने वाले टाइम में भी आपको फिर से पहले की तरह वीडियोज दे सकूँ, गाइडेंस दे सकूँ और पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकूँ। ऑल राइट, सो गाइज, आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो मैं करने वाली हूँ मई मंथ के प्रेडिक्शन के लिए। देखते देखते मई का महीना आने वाला है और सबसे बड़ा जो चेंज इस मई के महीने में होने वाला है वो ये है कि देव गुरु बृहस्पति जो है वो फाइनली 12 साल बाद अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग प्रभाव है। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से जाएं तो ये बहुत लंबा रीडिंग है, बट हम टैरो रीड कर रहे हैं तो हम जैसे एलिमेंट्स के हिसाब से रीडिंग करते हैं उस हिसाब से आज हम रीडिंग करेंगे। ऑलराइट, तो आज हम रीडिंग करेंगे जैसे हम साइंस के हिसाब से करते हैं, वाटर साइन, एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन। आपको टाइम स्टैम्प पे मिल जाएगा आपका साइन, तो आप जिस भी हिसाब से अपनी रीडिंग को देखना चाहें देख सकते हैं। अगर आप सन साइन के हिसाब से देखते हैं या आप चंद्र राशि के हिसाब से देखते हैं या फिर आप अपने नाम के हिसाब से देखते हैं, आप किसी भी तरीके से इस रीडिंग को देख सकते हैं और रीडिंग का आनंद उठा सकते हैं। ऑलराइट, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं जरूर बताना चाहूंगी कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये आज का रीडिंग। और सबसे पहला जो रीडिंग है मैं करने वाली हूँ एयर साइन से, जिनमें आता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और देखते हैं उनके लिए क्या मेजर चेंजेस आने वाला है फॉर द मंथ ऑफ मई 2024। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अगर आपने चूज किया है पाइल नंबर 1 को, यानी कि एयर साइन को, जिसमें आता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या मेजर चेंजेस होने वाले हैं आपके लाइफ में। तो इस रीडिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं सबसे पहले मेजर आर्कना कार्ड से देखूंगी कि किस जगह पे कौन से मेजर चेंजेस आ रहे हैं, और फिर हम टैरो से भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम मेजर आर्कना कार्ड से इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजेस होने वाले। तो सबसे पहले हम कार्ड निकालेंगे आपके पर्सनल लाइफ के लिए, एक कार्ड निकालेंगे आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, एक कार्ड निकालेंगे आपके हेल्थ के लिए। ओके, मैं अभी नहीं लूंगी बिकॉज अभी मैं शफल कर रही हूं। ऑलराइट, तो सबसे पहला कार्ड जो हम निकालेंगे आपके लिए, लेट्स सी एयर साइन वालों के लिए कैसा रहने वाला है। लेट्स सी। रीडिंग शुरू करने से पहले जरूर बताना चाहूंगी हर बार की तरह गाइस कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसे जनरल रीडिंग की तरह ही देखें। जितना आपसे एनर्जी रेजोनेट करती है उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहला कार्ड निकालते हैं आपके पर्सनल लाइफ के लिए। ओ वाओ, वी हैव द सन कार्ड। ओके, अब आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए निकालते हैं। लेट्स सी आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए कौन सा कार्ड आता है। ओके, वी हैव द डेथ कार्ड, विच इज अनदर वेरी गुड कार्ड। अब आपके हेल्थ के लिए निकालते हैं। ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग का जो कार्ड होता है वो निकालते हैं। दिस इज द कार्ड। वाओ, वी हैव द जजमेंट कार्ड, वेरी ब्यूटिफुल। ऑल राइट, बॉटम की एनर्जी आपकी आई है द डेविल की। ओके, चलिए अब हम टैरो से भी देख लेते हैं। आपके पर्सनल लाइफ के लिए We have 8 of wands,
वी हैव नाइन ऑफ पेलिकल्स, वेरी ब्यूटिफुल. आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल. वी हैव फोर ऑफ कप्स, ओके गुड. आपकी हेल्थ एंड ओवरऑल बीइंग के लिए कार्ड्स, वी हैव द हाई प्रिस्टेस, ब्यूटिफुल. एंड वी हैव नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके. ऑलराइट. और बॉटम की एनर्जी आई है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, गुड. तो चलिए सबसे पहले इन कार्ड्स की बात करते हैं, बाकी गाइडेंस के कार्ड्स हम बाद में देखेंगे. तो सबसे पहले मैं अगर आपके पर्सनल लाइफ की बात करूं, तो जो करंट एनर्जी ऐसी है जिससे मुझे जो भी मैसेजेस चैनल हो रहे हैं वो ये है आपके लिए कि अभी करंट जो सिचुएशन आपकी है, या फिर मैं कह सकती हूँ लास्ट 6 मंथ से जो है चीजें बस चल रही है, जीवन कट रहा है, लाइफ कट रही है, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं जिसमें ज्यादातर आपने डाउन्स ही देखा है, अप्स हो रहे हैं. किसी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अप्राइजल का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि जॉब चेंज करना है, कुछ लोग कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस हो सकता है. अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो वो भी करियर ऑप्शन को चूज करने में थोड़ा सा डाइसी हो रहे हैं. एग्जाम्स गए हैं अभी उनके, जिन्होंने अभी एग्जाम्स दिए हैं. तो अभी काफी सिचुएशन, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी बहुत ज्यादा फ्रूटफुल चल रहा था आपके पर्सनल लाइफ में, बहुत तरीके की मिक्स एंड मैच सिचुएशन चल रही थी आपके पर्सनल लाइफ में. अगर आपके घर की बात करूं, अगर आपके फैमिली रिश्तों की मैं बात करूं आपके पर्सनल लाइफ में, तो सिर्फ एडजस्टमेंट्स हो रहा था और चीजें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी. यानी कि ठीक से अपनी बातों को पेश करना, ठीक से अपनी बातों को कम्युनिकेट करना, ये सारी चीजों में ना अभी बैलेंस नहीं हो रहा था. तो ये जो आने वाला महीना है, यानी कि मंथ ऑफ मे जो आने वाला है, देव गुरु बृहस्पति का जो आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ने वाला है, तो सबसे पहले ही सबसे पॉजिटिव कार्ड है हमारे टैरो डेक के मेजर अरकाना से द सन कार्ड. तो ये कार्ड आपके लिए जो सबसे बड़ी खुशी लेकर आ रहे हैं, आपको तो पता ही है सन मतलब ही पॉजिटिविटी, सन मतलब खुशी, सन मतलब ओपनिंग ऑफ न्यू वेज, न्यू पाथ. तो ये क्या क्लियर करने वाला है आप के और आपके परिवार वालों के साथ, आपके नियर एंड डियर वन के साथ आपका कम्युनिकेशन. तो अगर अब तक ब्लॉकेजेस थे, आप बात ठीक से कह नहीं पा रहे थे, बात का बेबात हो जा रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी, तो ये चीज क्लियर हो रहा है. आप फैमिली के साथ आप देख पाएंगे इस मंथ में कुछ टूर प्लान हो सकता है, छोटी यात्राएं कर सकते हैं आप, किसी घर में कोई पूजा रखा जा सकता है जहां पे आप जा सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अभी आने वाले मई में भी हमारे कुछ फेस्टिवल्स हैं, वो भी आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं जिसमें आपके घर वाले आपके साथ हो. अगर मैं आपके पर्सनल लाइफ में आपके रिलेशनशिप्स की बात करूं, लाइक हस्बैंड वाइफ की बात करूं, या फिर जो लोग भी रिलेशनशिप में है अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से, या फिर जो भी अभी कपल्स पे है उनकी अगर मैं बात करूं, तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी आप दोनों के बीच में, जो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं चीजें बन नहीं पाएंगी, तो आप लोग भी एक पॉजिटिव साइड देख सकते हैं. अच्छे से बात करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, फ्यूचर प्लान करना, ये सारी चीजें आप करते हुए मुझे दिख रहे हैं, स्पेशली इन द मंथ ऑफ मे. तो शुरुआत जो है मे की बहुत अच्छी है. मे आपका पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है. पर्सनल लाइफ में अगर कोई भी ब्लॉकेजेस रहे हैं आपके लाइफ में, जो बहुत ज्यादा डाउन्स जा रहे थे, ऐसे सिचुएशन हो रहा था कि आप समझा नहीं पा रहे, चीजें हो नहीं पा रही, वो बहुत क्लियरली आपको दिखेगा और एक बैलेंस आएगा. सो द मेन एनर्जी बैलेंस आएगा. और मैं ये भी कह सकती हूँ फैमिली के साथ अगर आप बहुत लंबे समय से अगर आप बाहर रहते हैं, नहीं मिल पा रहे थे, जो लोग का ऐसा हो रहा था कि मिल नहीं पा रहे हैं, टिकट्स नहीं मिल रही या चीजें नहीं हो पा रही थी, वो भी होगी. मतलब आप फैमिली से भी मिलोगे, रीयूनियन के चांसेस हैं. जो लोग का ऐसा भी रीयूनियन से मुझे एक और मैसेज मिला कि जो लोग अपने पार्टनर से लॉन्ग डिस्टेंस में थे, या फिर जिनका जो अपने किसी पार्टनर का वेट कर रहे थे कि वो अपने तरफ से शुरुआत करे या फिर वो अपने तरफ से बात करे, तो रीयूनियन के भी चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं. चलिए अब हम बात करते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की. तो यहाँ पे कार्ड आया है डेथ का. डेथ मतलब न्यू बिगिनिंग, डेथ मतलब न्यू स्टार्ट.
तो अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो मैं जैसा देख पा रही थी कि पिछले 4 से 5 महीने में ले लीजिए ऐसा था कि आपने कुछ लॉस फेस किया। अगर आप जॉब में हैं तो ऐसा हो सकता है कि बहुत डिसएग्रीमेंट रहे हैं आपके काम में, कोई प्रोजेक्ट दिया गया, कोई टास्क आपको दिया गया, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए जबकि आपने अपना 100 नहीं 200% एफर्ट दिया। आपका बहुत ईजिली लोगों के साथ वाद विवाद हो रहा था, क्लैशेस हो रहे थे, लोग समझ नहीं पा रहे थे चीज़ों को, जिसको लेकर आप बहुत परेशान थे। एक टाइम ऐसा लग रहा था जॉब करने वालों को कि यार मुझे जॉब छोड़ देना चाहिए, मुझे इस जॉब को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कई तरीके के ख्याल आना कि जो लोग जॉब कर रहे थे वो सोच रहे थे वो बिजनेस में जाए, जो बिजनेस कर रहे थे वो सोच रहे थे हम कुछ और ही कर लेते हैं। तो स्टेबिलिटी नाम की चीज़ आपके लाइफ से मिसिंग थी। तो सबसे बड़ा जो चेंज आ रहा है वो कार्ड से ही हमें दिख रहा है। कार्ड आया है यहाँ पे डेथ का, यानी कि एक न्यू बिगिनिंग। तो जो सारे ऑब्स्टिकल्स आपके टाइम में चल रही थी अभी तक लाइफ में टिल द मंथ ऑफ अप्रैल, इसमें आप एक न्यू बिगिनिंग देख रहे हैं। तो सबसे बड़ा चेंज क्या आ रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि न्यू अपॉर्चुनिटीज को आप वेलकम करने वाले हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ जो लोग इन्वेस्टमेंट में हैं, स्टॉक मार्केटिंग में हैं, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा समय है अभी से लेकर। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आने वाले 4 से 5 महीने आपके ऐसे होंगे जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से प्लान कर पाएंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, वो भी आप जॉब स्विच कर पाएंगे, इस पे भी कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज़ आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो ये है कि जो लोग कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी न्यू जॉब के लिए, या फिर ऐसा हो रहा था कि आप अब नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी आपको मिल नहीं रही थी, मन लायक चीजें नहीं हो पा रही थी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको कुछ परचेज करना था, ये लैंड हो सकता है, ये कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर ये कहीं ना कहीं फ्लैट हो सकता है, कुछ चीज है जो आप खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए फंड्स आपके इकट्ठा नहीं हो रहे थे, इसके होने के भी चांसेस बहुत जोरों के हैं यहाँ पे। चलिए अब हम बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो ओवरऑल हेल्थ जो है आपका इन द मंथ ऑफ मे काफ़ी अच्छा रहेगा। लंबे समय से अगर कोई बीमारी चल रही थी, काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं जिनको इंसोम्निया वाली प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती है, काफ़ी टाइम फोन देखते हैं आप, काफ़ी टाइम रील्स देखने में वक्त गुजर जाता है, नींद नहीं आती। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस है, स्ट्रेस भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से आपको नींद नहीं आ रही, बट नींद नहीं आ रही थी। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अभी पिछले कुछ महीनों में वीकनेस होना, मन चिड़चिड़ा रहना, या फिर छोटी मोटी बीमारी जो सीजन चेंज के वजह से होता है, ये काफ़ी ज़्यादा घेरी हुई थी आपको। तो इस मई मंथ में आप ये देख पाएंगे ना कि एक ठहराव आ रहा है आपके हेल्थ में भी, एक स्टेबिलिटी आ रही है, चीज़ों को अब आप धीरे धीरे बैलेंस कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मई आते ही आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी और सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, आपको अचानक नींद आने लगेगी, नहीं। बट मई मंथ से आने वाला जो ये साल है जो आगे बढ़ेगा, आप देखेंगे जो प्रॉब्लम्स पीछे के महीनों में चल रही थी, बीमारियां होना, लास्ट 9 to 10 months में ऐसा आपने देखा होगा, अप्रैल के पीछे अगर मैं जाऊँ, मार्च में जाऊँ, फरवरी में जाऊँ या उसके भी पीछे जाऊँ, तो जो प्रॉब्लम्स आपको हो रही थी हेल्थ वाइज कोई इश्यू, कोई दवाई का लंबे समय तक चलना, कोई बीमारी का लंबे टाइम तो आपके लाइफ पे रहना, यानी कि कुछ बीमारियां आना जाना अगर करके आपके लाइफ में लगी हुई थी, ये चीज़ भी आप देखोगे कि ये एंडिंग पे है और कहीं ना कहीं आपको अब आने वाले वक्त में ये चीज़ जो है जाती हुई दिखेगी। तो ओवरऑल रीडिंग जो आपके लिए है, तो जो भी कामिक चीज़ें थी आपके लाइफ में, क्योंकि आपके बॉटम में डेविल का कार्ड आया था, तो जो भी कार्मिक चीज़ें थी या जो भी आपको भुगतना था, जो भोग रहे थे आप, वो कहीं ना कहीं खत्म होकर एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आ रही थी आपके लाइफ में। चलिए अब हम थोड़े से और कार्ड्स देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल से और क्या है आपके लिए मैसेजेस। पाइल नंबर 1, आपके लिए और क्या मैसेजेस है फॉर द मंथ ऑफ मे। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ओके, वी हैव वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ओके, वी हैव फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, एंड वी हैव द थर्ड चक्रा
इस बारे में मैं बात कर ही रही थी एंड यहाँ पे है गॉडेस ऑफ द मून. ओके, तो सबसे पहला मैसेज ये है, जैसे कि मैंने आपको बोला भी था जब मैं आपका पर्सनल लाइफ का पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बता रही थी, कि जो लोग रिकन्सिलिएशन का सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि आप किसी का वेट कर रहे हैं, उनके तरफ से कॉल या मैसेज नहीं आए थे, तो वहाँ से आपको बहुत बड़ा चांस एक मिल सकता है. अगर आपको एंजल नंबर 444 दिख रहा है, या फिर आप गाड़ी के नंबर प्लेट्स पे 4444 देख रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं 4 का कॉम्बिनेशन अगर आपको दिख रहा है, तो एक बहुत बड़ा चेंज है आपके लिए. एक इंडिकेशन है कि यस, कोई आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली दस्तक देने वाला है. अगर आप किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे हैं या आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, इसके हाई चांसेस बन रहे हैं इन द मंथ ऑफ मे. आपका जो फर्स्ट चाक्रा है, जो कि ओवरऑल रूट चाक्रा, जिसको हम बेस चाक्रा कहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपका इस महीने बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है. इसके अलावा जो है आपका थर्ड चाक्रा, कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सस चाक्रा जो है, वो कहीं ना कहीं आपका बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है. जो भी इलनेस थी, जो भी बीमारियां थी, जो चीजें आपको इमोशनली डैमेज कर रही थी पिछले कुछ महीनों में, उसमें एक बैलेंस, उसमें एक ठहराव मुझे दिख रहा है. तो आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो समय है, आपके लिए काफी फ्रूटफुल है और आपको शुरुआत से ही दिखेगा ये चेंज अपनी लाइफ में. कुछ लोग तो शायद अभी देखना शुरू भी कर दिए होंगे और कुछ लोग को आने वाले वक्त में दिखेगा. चलिए अब हम थोड़ा गाइडेंस ले लेते हैं हमारे कार्ड से. आपके लिए गाइडेंस क्या है, पाइल नंबर 1 फॉर द मंथ ऑफ मे, क्या है गाइडेंस आपके लिए? लेट्स सी. लक इज ऑन योर साइड, वेरी नाइस. सो लक आपके तरफ है और कहीं ना कहीं लक आपको फेवर करने वाला है, जो कि इस रीडिंग का शुरुआत ही था, द सन कार्ड ऑफ कोर्स. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन इज द की. मैंने आपको 8 of Wands से बताया था कि अगर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, या कहीं ना कहीं आप बात कर रहे थे अब तक, बात का मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो जा रहा था, तो कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होगा. और यहाँ पे कार्ड भी आया है, कम्युनिकेशन इज द की. एंड वन मोर कार्ड प्लीज. यू आर गुड इनफ. अपने आप को कभी भी ऐसा ना समझे कि आप में कोई प्रॉब्लम है या आपसे कोई चीज जो है वो हो नहीं पा रही है. आप काफी अच्छे हैं और यूनिवर्स ने भी आपको यही मैसेज दिया है. फाइनल मैसेज फॉर पाइल वन, लेट्स सी. फाइनल मैसेज फॉर पाइल वन. ओके, वी हैव फ्रूटिशन. रेस्ट अश्योर्ड योर ड्रीम्स एंड विजन्स विल कम टू फ्रूटिशन. यानी आपने जो ड्रीम देखा है, आपके जो विजन्स है, वो पूरे होने वाले हैं. सबसे पहला मैसेज ये है. वन मोर मैसेज. स्टिलनेस. रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट विथ लव, काइंडनेस एंड कंपैशन. तो अभी जो समय आने वाला है, अभी जो समय चल रहा है ना, उस मोमेंट की तरफ ध्यान दीजिए, प्यार से, काइंडनेस से, कंपैशन से. सारी चीजें जो है वो आने वाले वक्त में बैलेंस डेफिनेटली हो जाएंगी. ऑलराइट, सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको पसंद आई हो. पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा. चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. टेक केयर, बाय बाय. पाइल नंबर 2, वेलकम बैक टू योर रीडिंग. तो अगर आपने चूज किया है पाइल नंबर 2 और आपका साइन आता है फायर साइन, दैट इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो चलिए देखते हैं कि ये जो मेगा मंथ है, ये आपके लिए क्या लेकर आने वाला है. तो सबसे पहले हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे मेजर आर्काना कार्ड से और देखेंगे कि पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपका ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग कैसा रहने वाला है. ठीक है, इसके बाद हम टैरो से भी गाइडेंस लेंगे और बाकी गाइडेंस तो हम लेते ही हैं ऑलरेडी. तो तब तक मैं देखती हूँ, आप पेशेंस बनाकर रखिए. फायर साइन, लेट्स सी. चलिए देखते हैं क्या है पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 2 सबसे पहले कार्ड निकलेगा आपके. ओके, सो पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड खुद ही निकल कर आ गया है, द स्टार कार्ड. ग्रेट, चलिए देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या निकल के आता है आपके लिए पाइल नंबर 2. वी हैव द डेविल. ओके, एंड आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए फायर साइन आया है, द हाई प्रीस्टेस. ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है सन. वेरी गुड. ओके, अब हम टैरो से देख लेते हैं फिर मैं बताती हूँ.
pie number 2. Okay, we have already 2 cards. आपके पर्सनल लाइफ के लिए आया है 7 of cups और 9 of cups. पाई नंबर 1 के भी कुछ लोग इस रीडिंग को देखने आए हैं, मे बी फॉर योर समवन क्लोज, क्योंकि इसी सेम जगह पर 9 of pentacles भी था, यहाँ पे 9 of cups आया है. गुड, चलिए देखते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या कार्ड्स आते हैं. पाई नंबर 2. ओके, वी हैव 7 of swords. ओके, पाई नंबर 2. But we have 10 of wands, okay. And aapke overall health and well-being ke liye kya hai? Let's see. We have 8 of wands and 8 of swords. Number 8 aapke liye bahut significant ho sakta hai, fire sign for the month of May. And bottom of the deck se aaya hai the lovers ka card, okay. तो चलिए सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम बाकी के गाइडेंस वाले कार्ड्स देखेंगे. तो पाइल नंबर 2, सबसे पहले अगर मैं आपके पर्सनल लाइफ की बात करूं, यहाँ पे द स्टार का कार्ड आया है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 of cups एंड 9 of cups. तो अगर पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो काफ़ी लंबे समय से आप लोगों का कोई डिज़ायर, कोई विश रहा है जिसके बारे में आप सोचते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे. कुछ लोगों ने तो हो सकता है विजन बोर्ड बनाया होगा, आप डायरी में लिखते होंगे. आप जब भी आपको रील्स देखने की बहुत ज़्यादा आदत है, दिस आई कैन सेंस. और ऐसा भी होता होगा कि जब भी कोई मैनिफेस्टेशन की वीडियो आती होगी कि फुल मून का ऐसा है, न्यू मून का ऐसा है, या फिर अभी आप ऐसा कर लो, अभी ऐसा कोई पर्व आने वाला है, तो आपने वो सब कुछ ट्राई किया हुआ है. ऑफ कोर्स आपके घर वालों को ना पता हो या आपके दोस्तों को ना पता हो, बट ट्रायल एंड टेस्टर्स आपने सब कुछ किया है, बिकॉज आपकी कुछ पर्टिकुलर ख्वाहिशें हैं जिसे आप अपनी जिंदगी में पूरी करना चाहते हैं, वो भी आपके पर्सनल लाइफ को लेकर. यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग हमसे जुड़े हुए हैं आज इस रीडिंग में, अपने इस पर्टिकुलर रीडिंग में फायर साइन में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनसे मैं अभी कनेक्ट कर पा रही हूँ, जिनकी एनर्जी आई कैन फील इट कि काफ़ी बेचैन से हैं. ऐसा लग रहा है कि पर्सनल लाइफ, पर्सनल स्पेस जो है वो कहीं ना कहीं अब रहा नहीं. लोगों पर से भरोसा जैसे उठ सा गया है. ऐसा लगता है कि जिंदगी में कभी सच्चा प्यार नहीं मिल सकता, जिंदगी में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती. मन जो है काफी विचलित सा रहा है. आप में से कई लोग, यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि 70% लोग ऐसे हैं जो अपने सच्चे प्यार की तलाश में हैं. आपको हमेशा कहीं ना कहीं आपकी नजरें ढूंढती रहती हैं कि I am just looking for that पर्टिकुलर पर्सन, या फिर वैसे किसी इंसान को जैसे हम मूवीज में देखते हैं. आपका एक ड्रीम है ऐसा. ऑफकोर्स ऐसे फायर साइन वाले लोगों को देख कर ऐसा लगता नहीं है कि कि इनकी भी मन में ऐसे डिजायर्स, ऐसी ख्वाहिशें होती होंगी, बट यहाँ पर जो एनर्जी बिल्कुल मैं पिक कर पा रही हूँ वो ऐसी है कि आपकी ख्वाहिश है कि आप किसी से प्यार करें, उनको भी आपसे प्यार हो, और थोड़ी ड्रीमी सी हो, बट कहीं ना कहीं आप एक सच्चे रिलेशनशिप की तलाश में हैं. तो ये जो मैंने आपको ये सारी बातें बताई, इसका कहीं शुरुआत आपका होने वाला है इन द मंथ ऑफ मे. तो जो आप ढूंढ रहे थे, ऐसा नहीं था कि आपके लाइफ में ऑप्शंस नहीं थे, बहुत ऑप्शंस थे. आपने बहुत लोगों को देखा, बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया, रिलेशनशिप में भी जाने की कोशिश की आपने. अगर मैं आपके पर्सनल फ्रंट की बात करूं, बात नहीं बनी. 1 महीने, 2 महीने, मैक्सिमम 5 महीने. कुछ लोगों का शादी भी टूटा, कुछ लोगों का हो सकता है डिवोर्स प्रोसेस चल रहा होगा. कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से तंग आ चुके हैं, बट कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली भी आपके मन में है कि यार वो जो मैं ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ, उसकी कहीं जो है एक कमी महसूस हो रही थी. तो वो जो आप ढूंढ रहे थे ना, वो विश जो है आपकी सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ में पूरी होने वाली है. और ये कहीं ना कहीं आप फर्स्ट वीक के बाद इस चीज़ को देख पाएंगे. कुछ लोगों को आभास मिल रहा होगा, यानी कि आपको ऐसा लग रहा होगा, कोई हो सकता है कि कोई आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, पर शायद आप उनको अभी वैल्यू नहीं दे रहे हैं. हो सकता है आपके DMs में आया होगा, आई डोंट नो, कहीं तो है वो इंसान आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है. कुछ लोगों को ये ट्रैवल करते हुए ये इंसान मिल सकता है. सो कीप अ चेक. तो जो आप मांग रहे थे ना अपने भगवान से, वो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है. तो आपका जो उदास सा दिल था, आपका जो दिल कहीं ना कहीं एक मायूस सा था, और उसको लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, क्या ऐसा होगा भी या नहीं, तो डेफिनेटली ये होगा. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. अगर आपके घर परिवार की बात करो, जो ऑलरेडी मैरिड है, फैमिली में है, फैमिली का देख रहे हैं,
तो मैं फैमिली में ये देख पा रही हूँ कि बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था कि आप कुछ प्लान कर रहे थे फैमिली के साथ, आउटिंग बोल लीजिए या कोई किसी तीर्थ स्थल पे जाना या फिर कहीं भी जाने की प्लानिंग, कोई फैमिली फंक्शन में जाना, जो नहीं हो पा रहा था, एकजुट होकर भी चीज़ें प्लान फेल हो रही थी, तो ये कहीं ना कहीं अब फुलफिल होने वाली है। एक ड्रीम डेस्टिनेशन में जाना, एक हॉलिडे में जाना, सबको लेकर जाना, सबके साथ उसको एंजॉय करने वाला टाइम आपके लिए आ रहा है, तो आपका पर्सनल लाइफ तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब यही मैं अगर आपकी बात करूँ पाइल नंबर टू आपके प्रोफेशनल लाइफ की, तो डेविल का कार्ड आया है विथ 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। अभी बे का मन जो है इनिशियली आपका बहुत ज़्यादा टेस्ट लेने वाला है। ऐसे भी शनि का साल है और शनि भगवान जो है काफ़ी डिसिप्लिन्ड है और वो कभी भी हमें कोई भी चीज़ ऐसे ही गिफ्ट नहीं दे देते हैं। यानी कि हम कहते हैं ना कि अगर आपको आपकी कोई विश पूरी नहीं हो रही है तो भोले बाबा के पास जाइए, भोले बाबा से प्यार से मांगिए, भोले बाबा दे देते हैं हमें बड़े प्यार से। बट शनि भगवान जो है वो सबसे पहले टेस्ट लेते हैं आपका कि आप कितना खड़े उतर सकते हैं उस टेस्ट में। टफ से टफ टेस्ट होता है आपका और अगर आप डटे रहते हैं तो आपको फल मिलता है। तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी फायर साइन आपके लिए कि इस समय जो लोग स्पेशली बिजनेस कर रहे हैं थोड़ा अलर्ट हो जाइए, कोई ना कोई आपको धोखा दे सकता है, धोखा देने के चांसेस बन रहे हैं। वर्क स्ट्रेस आपका भी इस मंथ ऑफ मई में बढ़ सकता है आपका, बट कुछ मेजर लॉस में नहीं दिख रही। बट हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेईमानी कर सकते हैं, किसी की चोरी से पर्दा उठ सकता है, कुछ लोगों की सच्चाई ऐसे आपके प्रोफेशनल फ्रंट में सामने आ सकती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। यही अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है, ओवरबर्डन हो सकता है, ओवर टाइम करना पड़े, आपके ऊपर ज़्यादा लोड हो, आपको बहुत सारे काम दे दिए जाए, प्रेजेंटेशन भी करना है, ये फाइल भी कंप्लीट करनी है। तो ओवरऑल मैं पर्सनल लाइफ के कंपैरिजन में अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो ये थोड़ा टेस्टिंग टाइम होगा आपका। आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आपका सन आया था, इसका जो एंडिंग रिजल्ट होगा वो अच्छा बहुत होगा, बट अभी आपका टेस्टिंग टाइम है। तो ये जो टेस्ट आपका होने वाला है, मान लीजिए आप कोई जॉब इंटरव्यू के लिए सोच रहे हैं या कोई बिजनेस सेटअप के लिए अभी सोच रहे हैं इन द मंथ ऑफ मे, तो टेस्ट बहुत होगा, बहुत ईजिली। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कुछ लेने जाते हैं और हमें बाई लक बहुत आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे ऐसा है कि अब आसानी से चीज़ नहीं मिलने वाली, आपको मेहनत करना पड़ेगा, द रियल वर्क। और अगर आप ये मेहनत करते हैं, अपना 100% लगाते हैं, अगर आप कोई नया जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप का सोच रहे हैं, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एंड 10 से 12 तारीख के बाद, 12th of May के बाद आप बदलाव देख पाएंगे कि यस, ये जो आपने मेहनत करी है ये सामने वाले समझ रहे हैं, सामने वाले आपकी इस मेहनत का सराहना दे रहे हैं। 15 तारीख के बाद से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेगा इन द मंथ ऑफ मे। यही मैं आपकी हेल्थ की अगर बात करूँ तो हेल्थ में पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बेसिक कोई लंबी बीमारी नहीं चल रही थी जो मैं एनर्जी यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। यहाँ पे बस ऐसा था ना कि आप शायद ऐसा हो सकता है, काफी लोगों की यहाँ पे एनर्जी है ऐसी कि आप अपने आप से परेशान थे, आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ कर नहीं रहे हैं या फिर ऐसा हो रहा है खाली टाइम हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी ये सारी आपको प्रॉब्लम हो रही थी, डिप्रेशन हो रहा था, एंजाइटी हो रही थी, कोई बात नहीं समझ रहा है, किसी से बात हो नहीं पा रही है, कुछ ऐसा था जो आपके अपने आप से ही ये चीज़ें हो रही थी। आपको कोई बीमारी नहीं था कि आप बुखार था, आपको वायरल था, आपको निमोनिया था या आपको टाइफॉइड था, ऐसा कुछ कोई बीमारी नहीं था। बीपी शुगर मुझे ऐसा कुछ मेजर कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जो आपके साथ हो रहा था। ये कुछ आपकी आदतों की वजह से आप जो अब तक भुगत रहे थे ना, इससे आपको एक अलर्ट मिलने वाला है। आपकी बॉडी आपको इन द मंथ ऑफ मे एक अलर्ट भेजने वाली है कि अब ठहर जाओ। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे थे, अपनी बॉडी को इग्नोर कर रहे थे, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे और कहीं ना कहीं चीज़ों को ऐसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर चल रहे थे, स्पेशली अपने हेल्थ को लेकर अगर आप बिल्कुल भी सचेत नहीं थे, आपको एडिक्शन थी सिगरेट पीने की या फिर किसी भी अदर चीज़ों की, अल्कोहलिक बेवरेजेस की, अगर आपको बहुत ज़्यादा एडिक्शन की तरह थी ना, तो अलर्ट का मैसेज आपको मिलने वाला है और कहीं ना कहीं आप थोड़े सचेत होने वाले हैं। तो ओवरऑल ये जो आपका महीना है फॉर द मंथ ऑफ मे, अगर मैं आपका पर्सनल प्रोफेशनल हेल्थ वाइज एंड ओवरऑल देखूँ, ये आपको काफ़ी कुछ सिखा कर जाने वाला है। 15 तारीख के बाद से हर चीज़ में आपको फ्रूटफुल देखने को मिलेगा, बट स्टार्टिंग में आपका टेस्ट होने वाला है, वो भी बहुत टफ। तो स्टे ट्यून्ड। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़े एनर्जी ओरेकल कार्ड से पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या मैसेजेस हैं।
फाइल नंबर टू, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? ओके, वी हैव एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, वी हैव थर्ड चक्रा एंड वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस. यहां से आया है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस. सो यस, हीलिंग भी है, हैप्पीनेस भी है, सब कुछ आ रहा है, बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में. काफी रस्से, जैसे मैंने बताया था कि ऐसा अगर सिचुएशन आपकी लाइफ में बन रहा था जिसपे कहीं ना कहीं आप देख रहे थे कि यार मुझे ऑप्शंस तो मिल रहे हैं, लोग तो आ रहे हैं, बट कोई पसंद नहीं आ रहा, कोई दिल से जुड़ा हुआ लोग नहीं मिल रहा, तो ये कहीं ना कहीं वो रास्ते, वो अपॉर्चुनिटी जहां से आप सही चीजों को ग्रैप कर पाओ वो आपको मिलेगा. दूसरा मैसेज आपके लिए ये है कि ओवरऑल एक बैलेंस ला पाएंगे आप अपने माइंड बॉडी सोल में. ये बहुत अच्छी बात होगी. कहीं ना कहीं जहाँ भी आपको लग रहा था कि यार ये चीज़ मेरे को इसके लिए टाइम नहीं मिल रहा, कुछ लोग ऐसे थे जो योगा करते हैं अपने वर्क लाइफ के या फिर अपने रूटीन की वजह से नहीं कर पा रहे थे, कुछ लोग साइकिलिंग करते थे, कुछ लोग जिम में जाते थे, कुछ लोग वॉक करते थे, ये जो आपका एक साइकिल में डिसबैलेंस हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं बैलेंस होने वाला है. सो ओवरऑल एनर्जी आपकी हीलिंग और हैप्पीनेस को लेकर है. तो जो खुशी आपको नहीं मिल पा रही थी लंबे समय से, जो एक स्ट्रेस सा माहौल था, वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है. दैट इज वेरी गुड फॉर यू. चलिए हम देख लेते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए. फाइल नंबर टू, ओके, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस. ओके, टाइम फॉर हीलिंग. हीलिंग का दूसरा मैसेज आपके लिए, टेक टाइम टू ब्रीद आउट. ओके, गुड. सो आपके लिए बहुत ही क्लियर कट मैसेजेस है यहाँ पर पाइल नंबर टू कि किसी चीज का, जैसे मैं कह रही थी ना, काफी समय से आपको तलाश थी या फिर किसी ऐसे रिलेशनशिप में आप रहे थे जहां पे आपको टॉक्सिक था, आप उससे बैलेंस नहीं ले पा रहे थे, उससे बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, लग रहा था क्या करे क्या ना करे, उसकी एंडिंग हो रही है. ठीक है, भले बहुत ही स्मूथ एंड हैपनिंग ना हो लाइक फिल्मों की तरह, बट हाँ उसकी कहीं ना कहीं एंडिंग की तरफ आप बढ़ रहे हैं और ये एंडिंग आपको देखने को मिलेगा. दूसरा, आप हील कर पाएंगे अपने माइंड बॉडी सोल को. यहाँ पे दो दो बार हीलिंग का मैसेज आया है आपके लिए ऑफकोर्स. और अब थोड़ा समय है कि थोड़ा सा प्लान करके चीज़ों को चलने का, बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा नहीं करने का और कहीं ना कहीं अपने आप पर, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने का. अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप अपने लाइफ में एक बैलेंस ला पाएंगे. तो ये महीना आपको कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ सिखाने भी वाला है. सबसे पहले आपको लेसन्स मिलेंगे लाइफ की और उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा लाइफ का. तो इट्स अ वेरी गुड मंथ, लेसन हमें मिलना चाहिए. ओके, चलिए देखते हैं फाइनल मैसेज आपके लिए. इनर एल्केमी. इनर एल्केमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विथ लव. तो इनर एल्केमी हमें तब मिलता है जब हम डर को प्यार से रिप्लेस करते हैं. तो अगर आपको किसी चीज का डर था कि कहीं ये हो गया तो मुझे ये प्रॉब्लम ना हो जाए, किसी भी सिचुएशन को लेकर हो सकता है. कुछ लोगों का मान लीजिए रिजल्ट आने वाला है वो लेकर है, कुछ लोग अगर किसी जॉब इंटरव्यू के रिजल्ट का वेट करे, तो यूनिवर्स आपसे हमेशा कहती है कि प्यार से सोचोगे, प्यार से करोगे तो हर चीज स्मूथ है, हर चीज अच्छा है. आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है वाइब्रेशन. योर वाइब्रेशन इज बीइंग रेज्ड टू हायर लेवल्स. यू आर कनेक्टेड टू कॉस्मिक इंटेलिजेंस. तो आपके जो भी मैसेजेस है, आप जो भी मैसेज यूनिवर्स को देना चाहते हैं, वो डेफिनेटली यूनिवर्स तक पहुंच रही है, इस बात पर भरोसा जरूर करें. ऑलराइट पाइल नंबर टू, तो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको पसंद आई हो. पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा. चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. टेक केयर, बाय बाय. हाय पाइल नंबर थ्री, वेलकम बैक टू रीडिंग. तो अगर आपने चूज किया है पाइल नंबर थ्री और आपका साइन आता है वाटर साइन में, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक और मीन राशि, तो चलिए देखते हैं आपकी जिंदगी में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं फॉर दी मंथ ऑफ मे. तो सबसे पहले हम मेजर आर्काना से कार्ड निकालेंगे आपके तीनों फील्ड के लिए, पर्सनल, प्रोफेशनल, हेल्थ और ओवरऑल, और फिर हम बाकी के कार्ड्स देखेंगे. रीडिंग शुरू करने से पहले जरूर बताना चाहूंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं. ऑलराइट, ओके, लेट्स सी. पाइल नंबर थ्री, व्हाट इज साइन? कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस. योर पर्सनल लाइफ, ओके, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड.
for your professional life for the month of May. Let's see. Okay, this card. We have the Death card. Okay. And for your overall health and well-being for the month of May, we have the Hermit card. Okay. बॉटम से डेविल का कार्ड आया है आज. पता नहीं क्यों पति बंतक पे डेविल का कार्ड काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है, मतलब आ ही रहा है. ओके, लेट्स सी. टैरो से हम कुछ कार्ड निकालते हैं, फिर बताती हूँ मैं आपको, बाद में हम गाइडेंस देखेंगे. ओके, पाइल नंबर 3. थैंक यू वेरी मच. Pile number 3. Okay, alright. Wow, we have the Wheel of Fortune for your personal life, and we have 9 of Swords. For your professional life, we have Devil again. Okay. And we have 8 of Swords. Okay. For your health and overall being, we have 7 of Swords and we have 10 of Swords. Okay, what a sign. We have 6 of Wands at the bottom of the deck. Okay, so सबसे पहले मैं अगर बात करूँ आपके पर्सनल लाइफ की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी से लेकर पिछले एक साल की एनर्जी अगर मैं ले लूँ, या फिर थोड़ा सा उससे कम ले लूँ, लास्ट 6 मंथ की, 6 to 9 months की, आपकी लाइफ बड़ी रोबोटिक सी हो गई है. यानी कि ऐसा होता है ना कि जिसमें एक रूटीन सा है जो बिल्कुल फिक्स है कि इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे वो करना है, 6 बजे उठना है, 7 बजे तक फ्रेशन अप होकर अपना काम निपटा कर 8 बजे ब्रेकफास्ट करके 9 बजे काम पे चले आना है, उसके बाद घर आना है, 9 बजे तक डिनर करना है, 10 बजे तक सो जाना है. और घर पे जो लोग रहते हैं या फिर जिनसे भी आप 1-to-1 कम्युनिकेट करते हैं, उनके लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए, कहीं ना कहीं जो टाइम होता है जो हम बैठते हैं एक साथ, चाय की चुस्कियाँ लेना, एक साथ बात करना, किसी चीज़ को लेकर प्लान करना, ये नहीं हो रहा था. ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ऐसा टाइम चल रहा है कि अपने आप के लिए टाइम, शरीर में थकावट बहुत ज़्यादा हो जाना, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाना, जिसके वजह से एंजाइटी इश्यूज बढ़ जाना, जिसके वजह से बहुत जल्दी थका हुआ महसूस करना, स्ट्रेस्ड महसूस करना, ऐसी कई प्रॉब्लम का आपने लास्ट 6 to 8 months में सामना किया है, जिसमें आपको ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा टाइम रुके, थोड़ा सा मुझे एक ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक. कहीं ना कहीं आपका दिमाग आपको कहता होगा दैट यू नीड अ ब्रेक. सो यस, आपके लिए ये जो मंथ है एक ऐसा टाइम बिल्कुल लेकर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक किस्मत पलटने वाला एक बहुत ही ब्यूटीफुल समय आपके पर्सनल लाइफ में आने वाला है, जहां पे आप अगर रिलेशनशिप में हैं, आप मैरिड हैं, आपके पार्टनर को लेकर अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो पाइल 3, तो अगर ऐसा सिचुएशन चल रहा था जहां पे आप एक दूसरे के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, घूमने नहीं जा पा रहे थे, ऐसी एनर्जी बन रही थी जहां पे आप मिल तो रहे थे बट मन नहीं भर रहा था, मिस कर रहे थे एक दूसरे को, बातें कर रहे थे बट ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, टाइम जा रहा है, मेरे को यहाँ भी जाना है, मेरे आई हैव टू बी देयर. तो ऐसा सिचुएशन अगर हो रहा था आपकी पर्सनल लाइफ में, ये बिल्कुल खत्म होने वाला है, और कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग बॉन्ड आप अपने पार्टनर के साथ बना पाएंगे, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप मैरिड हैं, या चाहे आप अपनी फैमिली बॉन्डिंग को ही क्यों ना देखें. तो एक बहुत अच्छा बॉन्ड, एक बहुत अच्छा समय आप मई के महीने से इसकी शुरुआत होगी, और आगे चल के भी ये चीज रहेगी, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब आता है तो वो एक महीने की एनर्जी नहीं होती, इट्स अ ओवरऑल एनर्जी. तो ये साल कहीं ना कहीं, ये जो मई से शुरुआत होगी, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लाइफ में बैलेंस लेकर आएगी. ओके, तो जितनी भी स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर कुछ ऐसे इश्यूज जो थे जिसको लेकर आप टेंशन लेते थे कि इसकी प्लानिंग करनी है, उसकी प्लानिंग करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, उसमें ठहराव आएगा और आराम से आप चीजों को प्लान कर पाएंगे अपने बेटर हाफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ बैठकर, अपनी फैमिली के साथ बैठकर. जो लोग
किसी रिलेशनशिप को लेकर ऐसा सोच रहे थे कि आपको हाल फिलहाल में धोखा मिला है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई छोड़कर चला गया और बहुत ही क्वेश्चन मार्क वाली एनर्जी है कि क्या करना है, आप मूव ऑन कर पाएंगे, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ वापस आएगी जिससे आप आगे बढ़ पाएंगे और किस्मत कहीं ना कहीं आपको एक न्यू डायरेक्शन, एक न्यू ओपनिंग की तरफ आपको खोलेगी। मैं सबके लिए ये नहीं बोल रही कि आपके लाइफ में ये खोलते ही एक नया पार्टनर आ जाएगा, नहीं, बट कहीं ना कहीं आप जिंदगी को एक अलग पहलू से देखना शुरू करेंगे और कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगेगा। ओके, कभी कभी हमें अपने आप के साथ, हम जब किसी रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो आज का जो टाइम है, ये कलयुग का टाइम है, हम देखते हैं आजकल के टाइम में लोग ना हमेशा दूसरे की खुशी के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, और सबसे पहले वो अगर इग्नोर किसी को करते हैं, अगर कोई सच्चे रिलेशनशिप में है तो वो सबसे पहले अपने आप को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, वो सेल्फ लव भूल जाते हैं, अपने आप ध्यान रखना भूल जाते हैं और हर कुछ अपनी जिंदगी को पूरा न्यौछावर कर देते हैं। बट आपके लिए जो लोग, स्पेशली जो लोग अभी जिनका ब्रेकअप हुआ है या लास्ट 6 मंथ पे ब्रेकअप हुआ है और आप मूव ऑन कर रहे हैं, आपको जिंदगी सेल्फ लव सिखाने वाली है माय डियर, आपको जिंदगी सिखाने वाली है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, आपका अपना जीवन बहुत खूबसूरत है। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपको कोई प्यार करने वाला नहीं मिल रहा है तो आप खुद से प्यार करना भूल जाए। तो ये बहुत बड़ा लेसन है जो आप सीखने वाले हैं। अगर यही मैं आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा सिचुएशन आपका शायद चल रहा था जहां पे छोटी छोटी बातों पर, अगर मैं जो बिजनेस करते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि ऐसा शायद सिचुएशन आपका चल रहा था कि बहुत सारी चीजों पर इन्वेस्टमेंट की बातें चल रही हैं। यहाँ पे कार्ड जो है, कॉम्बिनेशन जो आपका बना हुआ है कि कुछ लोग किसी चीज के फेवर में है, कुछ लोग किसी और चीज के फेवर में है, मतलब प्लानिंग ढेर सारी चल रही थी, इम्प्लीमेंटेशन किसी चीज का नहीं हो रहा था। कहीं लग रहा था कभी आप बहुत ही ऐसे डाइसी सिचुएशन में थे कि वो वाला या ये वाला समझ नहीं आ रहा था, स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, लोग बात समझ रहे थे बट वैसा रिएक्ट नहीं कर रहे थे। आप अगर किसी कंपनी को चला रहे हैं तो आप देख रहे होंगे आपके अंडर जो एम्प्लॉय है वो आपकी बात समझ तो रहे हैं बट आप जो आंसर उनसे मांग रहे हैं या जो आप रिजल्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा था। प्लस ऐसा भी आपने देखा होगा कि आपका अभी लास्ट 5 to 6 मंथ में आपका किसी चीज में एडिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, स्पेशली वर्क स्ट्रेस की वजह से। या तो आपको स्मोकिंग की आदत बहुत ज्यादा है, या आप ड्रिंक ज्यादा करने लगे, या फिर किसी और तरीके की जो भी ऐसी आदत है जो अच्छी नहीं है, विच इज वेरी टॉक्सिक और जो बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है आपका। हो सकता है आप फोन बहुत ज्यादा देख रहे हैं, आप रील्स देख रहे हैं बहुत ज्यादा, और स्ट्रेस से आकर आप गेम्स बहुत खेल रहे हैं अपने आप को टेंशन से हटाने के लिए, नींद ना पूरी होना, हमेशा ऐसा लगना कि बस अभी मुझे उठना है, अभी मुझे भागना है, ऐसे सिचुएशन आपके वर्क लाइफ को भी अफेक्ट कर रहा था, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी जवाब दे रही थी। तो आपके वर्क लाइफ के लिए जो स्ट्रेस है वो बाहर नहीं था, मेरे कहने का मतलब है वो आपके अंदर था। तो अभी का भी जो समय है, ये जो मई मंथ का भी समय है, ये कहीं ना कहीं ये सारे प्रॉब्लम्स से आपको बाहर निकालने वाला है। यानी कि अब तक जो आप ये सारी चीजों को फेस कर रहे थे, इससे आप कहीं ना कहीं बाहर निकल कर आने वाले हैं। एक न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके लिए, न्यू साइकिल आपके लिए तैयार हो रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज बन रही है। आपको अब चीजें ना जो धुंधली सी थी वो कहीं ना कहीं वो कोहरा हट रहा है और आप चीजों को काफी क्रिस्टल क्लियर देख पाएंगे कि हाँ, ये मैंने सोचा ये मुझे करना है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं थी, जॉब में बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर, टेंशन, ऐसी अगर सिचुएशन आपकी बन रही थी, अगेन डेथ का कार्ड यही बताता है कि प्रॉब्लम का एंडिंग होकर न्यू बिगिनिंग्स हो रही है। तो काफी अच्छा समय है आपके वर्क लाइफ के लिए भी। अगर मैं आपके हेल्थ एंड वेल्थ की बात करूं तो आपने पिछले कई महीनों से अपने हेल्थ को एकदम लीस्ट पे रखा है, हेल्थ का आपने ध्यान नहीं रखा है, हेल्थ कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रही है आपके लिए। तो हेल्थ के लिए मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगी कि हेल्थ का ध्यान जो है आपको खुद से रखना है, हेल्थ इज वेल्थ, हमें पता है। तो अगर आप कहीं ना कहीं हेल्थ का ध्यान रखते हैं इन समय पे, और ये मंथ जो है कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा हेल्थ केयर टिप आपको देखने को मिलेगा, आप कई ऐसे लोगों से टकराने भी वाले हैं जो स्पेशली आयुर्वेद से रिलेटेड आपको काफी सारी चीजों के बारे में बताएंगे। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक रूटीन बनाए स्पेशली अपने हेल्थ चेकअप को लेकर, हेल्थ वाइज की नहीं, अब मुझे थोड़ा सा बैलेंस में खाना खाना है, अब मुझे थोड़ा बैलेंस में रहना है, कोई प्रॉब्लम होता है तो अगर
उसका मतलब अगर उसका सॉल्यूशन के लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़े या डॉक्टर को विजिट करना पड़े जो आप पहले इग्नोर कर देते थे, अब आप उस पर फोकस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे थे पास्ट में तो आपकी सफरिंग्स बहुत ज्यादा हो रही थी जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो ओवरऑल जो आपकी मे की एनर्जी है पाइल नंबर 3 वाटर साइड, वो ये है कि कुछ चीजें आप सीख रहे हैं, कुछ चीजें आपको लाइफ सिखाने वाली है और कुछ प्रॉब्लम से आप बाहर आने वाले हैं। मेजरली अगर मैं आपके पर्सनल लाइफ की बात करूं तो बहुत अच्छी शुरुआत है। पर्सनल लाइफ में आप जो बैलेंस ढूंढ रहे थे वो आपको मिलने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ में टफ साइकिल की एंडिंग हो रही है और जो आपका ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस है उसमें अगर आप अपने आप को इग्नोर करते हुए चल रहे थे तो प्लीज स्टे कॉशियस, क्योंकि फिर आपको हेल्थ बहुत ज्यादा टफ एक सिचुएशन लाकर देगी। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन बन रहा है जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे अब डॉक्टर दिखाना चाहिए या फिर अब मुझे थोड़ा मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए या फिर ये चीज मुझे काफी टाइम से बॉदर कर रही है, अब मुझे थोड़ा इस बारे में सोचना चाहिए, तो प्लीज डू दैट। ओके चलिए अब देख लेते हैं थोड़े और कार्ड्स आपके लिए। काफी स्ट्रेस पे है आप लोग, कार्ड पकड़ते ही सारे कार्ड्स गिरते हैं। हाँ, अनस्टेबल एनर्जी, लेट्स सी पाइल नंबर 3, थोड़े और मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। लेट्स सी, ओके वी हैव द थिंकिंग मैन, अभी मैं कह रही थी। ओके वी हैव हीलर ऑफ द एजेस कार्ड, ओके एंड वी हैव द विक्ट्री कार्ड, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। ओके तो यहाँ पे डिसीट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके सो तो आपके लिए जो 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस गाइडेंस जो है वो ये है कि व्यर्थ की चिंताएं मत कीजिए, व्यर्थ की चिंता करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप अपने आप का ध्यान रखें, अगर आपको लग रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत सिस्टमेटिक वे और ढंग से कर रहे हैं और आप कोई बेईमानी नहीं कर रहे तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। दूसरी बात, यहाँ पर आपको कोई गाइडेंस, कोई गाइड करने वाला, कोई मेंटोर जरूर मिलेगा या फिर आप शायद किसी ऐसे लोग को कंसल्ट भी करें अपने लाइफ को लेकर ओवरऑल, कि आप क्या सही जा रहे हैं, कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको कहीं ना कहीं एक मेंटरशिप, एक गाइड, एक गुरु जरूर मिलेगा इन द मंथ ऑफ मे जो आपको आगे भी गाइड करेगा या करेगी। एंड ओवरऑल जो आपका कार्ड यहाँ पर आया है वो विक्ट्री का कार्ड आया है। हमने साथ पे देखा था टैरो के भी बॉटम में आपके लिए 6 of Wands, यानी कि ये भी सेम विक्ट्री का ही कार्ड होता है। तो विक्ट्री तो है इस महीने, आपको विक्ट्री तो जरूर मिलेगा, बट अगर आप उन सारे फैक्टर्स का ध्यान रखें जो आपको बैलेंस करके, अगर आप उन चीजों को कर सके। फैक्टर्स जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर आप काम कर रहे हैं, कोई डीलिंग कर रहे हैं, किसी के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट मत कर लीजिए अंधे की तरह कि नहीं आपने ट्रस्ट कर लिया और आपको पता है कि उस पर तो मैं भरोसा करता हूँ, वो तो हो ही जाएगा, ऐसा मत कीजिए। ओके तो कहीं ना कहीं विक्ट्री का कार्ड हमें यही शो कर रहा है कि आपको ओवरऑल विक्ट्री तो मिलेगी ही। तो ये महीना आपके लिए कहीं ना कहीं विक्ट्री लेकर आ रहा है इन ओवरऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। चलिए थोड़ा सा और मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। ओके द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, मैंने पूरी रीडिंग में आपको यही बोला है कि आपका टफ साइकिल जो है वो एंड होने वाला है, स्पेशली आपके प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, तो आपका आउटकम जो है वो विन विन है, आप ही जीतने वाले हैं। पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये 3 मैसेज मैंने आपको बताया था और यूनिवर्स ने कंफर्म किया है इन कार्ड से कि यस, आपका टफ साइकिल खत्म हो रहा है, आपके फेवर में ही आउटकम होगा और पर्सनल इश्यूज अगर आपके रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं रिजोल्व होने वाली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू एंजल। Now your last messages, pile number 3 के लिए क्या messages and guidance है? Dreams, the universe speaks to you through your dreams. अपने dreams के ऊपर ध्यान जरूर रखें, आपको dream में ऐसा कुछ मिल सकता है, ऐसा कोई news या ऐसा कोई चीज या ऐसा कोई answer जो आप काफी लंबे समय से ढूंढ रहे थे और आपको उसका answer नहीं मिल रहा था, तो वो definitely आपको dreams के through मिलने वाला है। आपके लिए अगला card है Transcendence, transcend your mind's limitations and allow your soul's light to truly shine. तो अगर आपने कोई ऐसा सिचुएशन बनाकर रखा है कि कोई लिमिटेशन बनाकर रखी है कि इस चीज के लिए ऐसा है, इस चीज के लिए ये रूल है,
ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि अपने सोल की लाइट को शाइन करने दीजिए, अपने सोल के ऊपर बिलीव कीजिए, उस लाइट को, उस डिवाइन लाइट को फील कीजिए और लिमिटेशन से बाहर निकलिए, बांधिए नहीं खुद को। बांधने से ही हमारी लिमिटेशंस हो जाती है, और जब हम यूनिवर्स पे बिलीव करके सरेंडर कर देते हैं तो हमें हर कुछ मिलता है जो हम चाहते हैं। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो, पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 4, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। तो अगर आपने चूज किया है पाइल नंबर 4 और आपका जो एलिमेंट है वो आता है अर्थ साइन में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ये मई का महीना कैसा रहने वाला है। पाइल नंबर 4 टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या और मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। रीडिंग शुरू करने से पहले जरूर बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है तो जितना आपसे रेजोनेट करती है एनर्जी उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। ऑलराइट, चलिए देखते हैं कैसा रहने वाला है आपके लिए। सबसे पहले मैं कार्ड निकालूंगी आपके पर्सनल लाइफ के लिए, मेजर अर्काना, फिर प्रोफेशनल लाइफ के लिए, फिर हेल्थ एंड ओवरऑल बीइंग के लिए। तो सबसे पहला कार्ड निकालते हैं आपके पर्सनल लाइफ के लिए। तो आपके पर्सनल लाइफ के लिए आया है द डेविल, और आज डेविल बाकी तीनों पाइल्स में भी बहुत ज्यादा आया है। आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए द एम्प्रेस, एंड आपके ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए जस्टिस का कार्ड आया है। बॉटम में आया है द सन कार्ड, ब्यूटीफुल। तो हम चारों से भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं फ्रेंड्स, और फिर हम करेंगे रीडिंग की शुरुआत पाइल नंबर 4। चलिए देखते हैं क्या है। All right. We have the moon card. Okay. We have justice. Justice यहाँ भी है. For your professional life, we have four of cups with the hierophant. And for your health and overall being, we have ten of cups. And we have eight of wands. आज eight of wands भी बहुत ज़्यादा आया है reading में. What about the deck is six of pentacles. Very good. Okay. All right. सो लेट्स स्टार्ट दी रीडिंग, और हम बात करेंगे अभी सबसे पहले आपके पर्सनल लाइफ की। तो पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो ऐसा काफी मैं कुछ लोगों के लिए तो देख रही हूँ, शायद 2 साल से 2.5 साल से आपके पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं है अर्थ साइन, स्पेशली वर्गो वाले अपने पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा भुगत रहे पिछले 18 से 20 महीने, कुछ लोग 2.5 साल हो चुके हैं। आपका पर्सनल लाइफ तो पर्सनल रहा ही नहीं, जबकि मैं देख सकती हूँ बहुत प्रोफेशनल रहा है। कोर्ट कचहरी का मामला बहुत ज्यादा रहा है, ज्यादातर मैं देख पा रही हूँ कि आप शायद 2 से 2.5 साल में, पीछे की अगर मैं बात करूँ तो 2 से 2.5 साल में काफी ज्यादा कोर्ट केस होना, घर में बवाल रहना, यानी कि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहना, पुलिस स्टेशन जाना, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ही कार्मिक समय रहा है आपका जो है ये लास्ट 2 से 2.5 साल। मुझे ऐसा भी लग रहा है काफी स्ट्रेस, अभी मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ मेरी सांस अटक रही है, ऐसा फील हो रहा है। तो काफी स्ट्रेस्ड आउट रहना, घर में अशांत माहौल रहना, टेंशन, और कहीं ना कहीं ये भी जरूर दिख रहा है कि ये ऐसा नहीं है कि सच में कुछ आपने कमिट किया है क्राइम उस वजह से है, जबकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किसी ने किसी तरीके का बदला लिया है, या फिर एक बदले की भावना उस इंसान की रही है, और इस बदले के चक्कर में कहीं ना कहीं आप ये चीज भुगत रहे थे। तो सबसे पहला अगर आपका सिचुएशन ऐसा रहा है, पिछले 2 से 2.5 साल की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ जो मैंने किसी और रीडिंग में ऐसे नहीं की है, स्पेशली आपके लिए है ये अर्थ साइन, तो इस चीज का एंडिंग, इस एंडिंग को आप क्लेम करने वाले हैं कि हाँ अब से इस चीज का अंत हुआ। ये अगर हम किसी चीज को कहते हैं और अपनी पूरी एनर्जी को यूनिवर्स को सरेंडर कर देते कि हाँ अब मैं तैयार हूं और इस चीज का अंत हुआ, मैं इसको इतिश्री करता हूँ, इसको खत्म करता हूँ, तो ये जो बहुत लंबे समय से चीजें चल रही थी, ये जो कार्मिक डीड आप पे कर रहे थे, इसके अंत का समय बिल्कुल आ चुका है। और आप आने वाले कुछ ही बहुत हार्ड हुआ तो कुछ महीनों में, 1 से 2 महीने में या मैक्सिमम 3 महीने में आप इसका क्लोजर देख पाओगे, क्योंकि जो टफ साइकिल आप फेस कर रहे थे
ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज भी हो सकता है कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए, बट ये मैसेज है तो मैं बता रही हूँ, ये कॉम्बिनेशन ही वो बता रहा है, तो इसकी एंडिंग है। अगर मैं जनरली बाकी लोगों की बात करूँ तो ऐसा रहा है कि माँ के साथ आपका क्लैश बहुत ज्यादा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है आप घर से दूर हैं, कुछ लोग यू नो मैरिज प्लान्स कर रहे थे और हो नहीं रहा था, आपको जो पसंद था वो घर वालों को पसंद नहीं था, घर वाले जो पसंद कर रहे थे वो आपको पसंद नहीं था, ऐसा बहुत ज्यादा यू नो सिचुएशन रहा है। काफी लोगों का अभी आने वाले पिछले 1 से 2 साल में यू नो रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग, टॉक्सिक रिलेशनशिप का बहुत ज्यादा सामना किया है, काफी ज्यादा यू नो मेंटल स्ट्रेस रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे आप बाहर निकलने वाले हैं और इसकी शुरुआत इन द मंथ ऑफ मे होने वाली है। यही मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो एक गाइड, एक गुरु, एक मेंटोर आपको मिलने वाला है, जो रास्ता, जो जिस मुकाम की तलाश आप अपनी जिंदगी में, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, जो आप कर रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं अब आपको मिलने वाला है। हो सकता है पिछले 4 से 5 साल से आप कोई अच्छा काम आप कर ही नहीं रहे थे, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, आपको वो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी। आप शायद 4 से 5 साल से कोई स्टेबिलिटी में आप नहीं आ रहे थे, आपका कोई काम नहीं बन रहा था, जिसको हम कहते हैं ना कि जॉब कर रहे हैं काम नहीं बन रहा, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं काम नहीं बन रहा, या कहीं ना कहीं यू नो वो रास्ता नहीं मिल रहा, सब कुछ कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग एवरीथिंग, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नथिंग, तो वो वाली सिचुएशन आपकी थी। तो आपका प्रोफेशनल लाइफ भी काफी ज्यादा एक बहुत बड़े बदलाव से होने वाला है। आप किसी गुरु, किसी गाइड के अंडर आप आने वाले, यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, साथ में एम्प्रेस का कार्ड है, और आपकी लाइफ से जो स्टेबिलिटी चली गई थी, जो खुशहाली आपकी घर की चली गई थी, जो नजर लगना, चीजों का सही टाइम पे ना होना, ये सारी चीजें जो हो रही थी ना, ये बदलने वाला है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी एक बहुत अच्छा बैलेंस आने वाला है, ओके। और कहीं ना कहीं आप एक गुरु से मिलेंगे, एक गाइड से मिलेंगे, कोई आपको रास्ता दिखाने वाला होगा, और कहीं ना कहीं जो बैलेंस मिसिंग थी आपके प्रोफेशनल लाइफ में, वो एक जो मिसिंग होती है कि यार इस चीज की कमी थी जिंदगी में, ये मिल जाए तो बस सब हो जाए, आपको गाइड करने वाला मिलेगा। काफी अच्छी शुरुआत है आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, और आने वाले 3 महीने में, यानी कि मई, जून, जुलाई या जुलाई अगस्त में, आप देख सकते हैं कि आप अभी जहां है, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, सी जो 3 महीने होगा उसमें आप कहां होंगे, एक लॉन्ग जंप आप मारने वाले हैं, मुझे ये वाइब आ रही है। सो कांग्रेचुलेशंस वाइब नंबर 4। अगर मैं आपके ओवरऑल हेल्थ की बात करूं तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा है, जो भी कुछ प्रॉब्लम थी वो इन्हीं सब वजह से थी, और ये मुझे लग रहा है जब से ये वाला साल 2024 शुरू हुआ है, आप पहले 2 साल के कंपैरिजन में अभी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपने अपने आप पर फिर से बिलीव करना शुरू किया है। आपने, हो सकता है आप स्पिरिचुअल नहीं थे, आप रिलीजियस थे, और आपने इस, जब ऐसे कुछ टफ साइकिल्स में आप थे जहाँ पे बहुत ज्यादा यू नो टॉक्सिक सिचुएशन था या चीजें बैलेंस नहीं हो रही थी, तब आपने पूजा पाठ, भगवान पे बिलीव करना, ये सारी चीजें छोड़ दी थी, आप जिंदगी से तंग आ गए थे। बट अभी इस साल की शुरुआत से कहीं ना कहीं आपको एक बिलीव होने लगा है कि नहीं, मेरी भी जिंदगी है और मैं इसकी कदर जरूर करूंगा। आपने अपना ध्यान रखना शुरू किया है, अपने अपनों का ध्यान रखना शुरू किया है, अपनी लाइफ को एक रूटीन में फिर से लाना शुरू किया है, और इसका रिजल्ट आपको अभी तो मिलेगा ही, ऑफकोर्स बहुत अच्छा है आपका भी जो टाइम पीरियड आने वाला है, और आने वाला वक्त भी बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो सबसे अच्छी रीडिंग आपकी मुझे लगी, और उसमें सबसे अच्छा ये लगा कि आपकी लाइफ में आपके कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। सो कांग्रेचुलेशंस बाय नंबर 4 कि आपके कर्मों का जो एक टफ साइकिल था, जो आप 2, 2.5, 3 साल से यू नो स्पेशली 2 साल की एनर्जी है, उससे आप बाहर निकल रहे, आप प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा कर रहे, पर्सनल लाइफ में भी अच्छा कर रहे, आपको ओवरऑल हेल्थ भी अच्छा है, और बॉटम में सन और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स था, यानी कि मे का महीना एक ओवरऑल बैलेंस लेके आ रहा है आपके लाइफ में। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। नाउ लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, बहुत सारे आ रहे थे, इतने नहीं ले रहे मुझे। ओके लेट्स सी, सबसे पहला है मैन होल्डिंग अ हार्ट, और यही कार्ड फ्लिप हुआ था, सबसे ऊपर था। वी हैव 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल एंड वी हैव 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन। ओके, तो आपके लिए बहुत क्लियर कट मैसेजेस है यहाँ पर। सबसे पहले कि अगर कोई आप, कुछ लोग यहाँ पर जो ऐसे हैं जो एक नए रिश्ते की शुरुआत ढूंढ रहे थे, जिनको रिलेशनशिप में भी जाना था, या जिनका यू नो जो रीयूनियन का वेट कर रहे थे, तो यस, वो पर्सन आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाले हैं इन द मंथ ऑफ मे, और आपको दिल से कोई चाहने वाला मिलने वाला है। ओके, सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट।
सेकंड, आपका जो हर्ट चाक्रा में एक ब्लॉकेजेस था, यानी कि कोशिश बहुत करते थे, हो नहीं रहा था, बातें लोग समझ नहीं पा रहे थे, दिल से, हर्ट पे ब्लॉकेजेस, मतलब हर्ट चाक्रा में ब्लॉकेजेस का मतलब ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छे हैं दिल के, बट लोगों ने आपको मिसजज कर लिया है, लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लोग आपको गलत समझ रहे हैं, लोग आप पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस पैदा करती है। तो कहीं ना कहीं इस फोर्थ चाक्रा का खुलना, यानी कि ब्लॉकेजेस का हटना, हर्ट चाक्रा का ब्लॉकेजेस हटना, एक कॉन्फिडेंस का ना रहना, एक अपने आप पर ना बिलीव करना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आपके साथ हो रही थी। तो ये कहीं ना कहीं हटने वाला है और एक बैलेंस आने वाला है। आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो क्लेरवॉइंट हो सकते हैं, आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी थर्ड चाक्रा की एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ में। आपके लिए एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है, सो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। ओके, तो अगर आप मेडिटेशन या प्रैक्टिस करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए प्लस पॉइंट होगा इस आने वाले वक्त में। लेट्स सी आपके लिए और क्या स्पेसिफिक मैसेज है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, यू आर गुड इनफ, एंड वी हैव स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। तो सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है गाइडेंस के तौर पे कि कोई भी चीज अभी फिक्स या परमानेंट नहीं है, जो बदली नहीं जा सकती। तो बदलाव इस जिंदगी का नियम है, तो बदलाव से घबराए नहीं। दूसरा मैसेज है कि अपने आप को कभी भी गलत या बुरा मत समझे, यू आर गुड एनफ, आप काफी अच्छे हैं। ओके, और इस पर डाउट मत कीजिएगा। और अपने कंफर्ट जोन से, हो सकता है मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो भी आपके लाइफ में चल रहा था, तो आपने अपने आप को एक शेल में बंद कर लिया था कि नहीं यार, मुझे बाहर नहीं निकलना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। इस चीज से कहीं ना कहीं अब आप बाहर निकलने वाले हैं, और जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, ये सारी चीजें, जो भी नेगेटिव चीजें आपको बांधी हुई थी, इसको तोड़ते हुए आप पॉजिटिव चीजों को क्लेम करना शुरू कर देंगे, और आपके लाइफ में लाइक एन अबंडेंस चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। तो काफी क्लियर कट मैसेज है आपके लिए पाइल नंबर फोर। तो प्लीज इन सब चीजों पर ध्यान जरूर दीजिएगा, और अगर ये सच होता है तो प्लीज आकर कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसी कुछ स्पेसिफिक मैसेज आपके लिए। चैनल, यू आर अ चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जी रीचेस द वर्ल्ड। तो ये आप मीडियम हो सकते हैं, आप स्टार सीड हो सकते हैं, और आपकी चैनलिंग से, जैसे कि मैंने बोला था कि आपका थर्ड आई चाक्रा एक्टिवेट हो सकता है अगर आप में से कई लोग मेडिटेशन करते हैं, तो आपको पता चलेगा व्हेन यू डू द चैनलिंग। नेक्स्ट है इनर अल्केमी इज अचीव व्हेन यू रिएक्ट टू योर फियर विद लव। तो अगर आपको किसी चीज का डर है या फिर किसी चीज से अगर आपको प्रॉब्लम है, तो उस डर को प्यार से रिप्लेस कीजिए, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। राइट, तो बहुत ही क्रिस्प रीडिंग थी आपकी, बहुत ही क्लियर कट मैसेजेस थे आपके लिए पाइल नंबर फोर। आई होप इससे आपको हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो। तो ये थी आपकी रीडिंग, होप कि आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।